खालिद भाई सो गए? सो सोचा हूँ शामिर को फोन करूं। शामिर ईमन के मामले में बहुत हसास है। पता नहीं ईमन के घर वापस आने के बाद और क्या कुछ बिगड़ने वाला है। और मजीद क्या बिगड़ेगा? ईमन और अली का मसला जब तक हल ना हो जाए सुकून नहीं मिलेगा। क्या इस मसले का हल तलाक है? तलाक के बगैर तो ये किस्सा खत्म भी नहीं होगा। ईमन अब अकेली नहीं है, वो अली के बच्चे की माँ बनने वाली। खालिद भाई ईमन की अली से तलाक करवा भी दे, उस खानदान पर लगा दाग तो धुल नहीं सकेगा। घर से भागी हुई लड़की को ये माशरा बहुत गलत नजर से देखता है, और ऐसी लड़की जिसे तलाक भी हो गई हो उसके बच्चे को ये माशरा कैसे कबूल करेगा? सब इस मासूम जान का क्या कसूर है? उसे किस बात की सजा दे रहे हैं? और आप लोग ईमन को सारी जिंदगी घर बिठाकर तो रखेंगे नहीं, कौन कबूल करेगा उस बच्चे को? इस लड़की ने तो हमारे खानदान का सर झुका दिया, नर्सों की बनाई इज्जत ढेर कर दी। ईमन का गुनाह बेशक बहुत बड़ा है, लेकिन हमें उसकी सजा उसके बच्चे को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अब एक नहीं तीन तीन जिंदगियां बर्बाद होंगी।